इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। डायग्राम ड्रॉ करें, सपोज एक वॉल है और सपोज एक बॉल का मास m, ये v1 वेलोसिटी से या मोमेंटम से m v1 से इसको हिट करती है, मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1 विद द वॉल, और θ2 एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होके वापस आती है सच दैट इसकी फाइनल वेलोसिटी इज mv2। तो रेस्टिट्यूशन ई गिवन, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी का लॉस होगा तो हमें रेस्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। तो ये डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक। तो ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन में मोमेंटम है तो अपने को कॉम्पोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो कॉम्पोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करेंगे, कॉम्पोनेंट्स में ऐसे रिजॉल्व करेंगे, देखो ये एम वी वन है, इसको ना आगे एक्सटेंड कर लो प्लीज़। तो ये इनिशियल मोमेंटम है एम वी वन, ये थीटा वन है तो एंगल वर्टिकली ऑपोजिट से क्या बन जाएगा, थीटा वन। एम वी वन के दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, एक कॉम्पोनेंट है वो इस तरफ हो जाएगा और दूसरा कॉम्पोनेंट नीचे आएगा। तो पहला कॉम्पोनेंट क्या आएगा, एम वी वन कॉस ऑफ थीटा वन, एम वी वन साइन ऑफ थीटा वन। क्लियर है यहाँ तक? तो इनिशियल मोमेंटम जो है यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स ना ड्रॉ करें, एक्सटेंड कर लें डायरेक्शन, तो इनिशियल कॉस के साथ वाला कॉम्पोनेंट कॉस और परपेंडिकुलर साइन। तो ये इनिशियल मोमेंटम के कॉम्पोनेंट्स हैं। फाइनल मोमेंटम एम वी टू, फाइनल मोमेंटम के अंदर एम वी टू के भी दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक जो कॉम्पोनेंट है वो होगा एम वी टू कॉस ऑफ थीटा टू, और दूसरा क्या होगा, एम वी टू साइन ऑफ थीटा टू। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम के कॉम्पोनेंट्स, फाइनल मोमेंटम के कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि मेरे को, मैंने कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर लिया सब कुछ, तो मेरे को जिस चीज़ की ज़रूरत है वेक्टर्स वो मैं इसमें लूँगा, बाकी हटा रहा हूँ मैं एक मिनट के लिए। तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बन गया, चेक करो, ये लो, राइट। तो क्या पॉइंट क्लियर है? इससे पहले कि आगे काम करें, एक चीज़ का आंसर दें प्लीज़। अगर ये वॉल है, हमने किया था, एक बॉल वी वेलोसिटी से आ रही है और रेस्टिट्यूशन ई है, तो इसकी वापस जाने की वेलोसिटी बोलो क्या होगी, क्या किया था शॉर्टकट, ई इंटू वी किया था। अगर वी से आ रही है तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या हो जाती है, ई टाइम्स वी, यही रूल था। अच्छा, मोमेंटम के लिए मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो इनिशियल मोमेंटम अगर एम वी है तो फाइनल मोमेंटम ई टाइम्स एम वी हो जाएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि इस केस में फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू ई टाइम्स इनिशियल मोमेंटम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यही रूल है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनो, ये जो रूल चलता है ना, ये तब चलता है जब ये वेलोसिटी या मोमेंटम 90 डिग्री पे है वॉल के साथ। ग्राउंड के साथ हमने क्वेश्चन 90 डिग्री पे हिट किया था, वॉल के साथ 90 डिग्री पे किया, हमने ये नहीं किया वॉल के साथ साथ चल रही है तो भी ऐसा होगा, कभी नहीं किया। तो इम्पॉर्टेंट है ये ई टाइम का कॉन्सेप्ट, पता है कब चलता है, जब 90 डिग्री पे कोई बॉल हिट करेगी। जैसे मैं बोलूँगा मैंने बॉल को ग्राउंड पे फेंका विद वेलोसिटी ऑफ 3, तो वापस आने की वेलोसिटी ई टाइम 3, 90 डिग्री, देख रहे हो, परपेंडिकुलर पे चल रहा है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखें, ये जो समझाने के लिए था, कुछ नहीं है इसमें। अब जरा इधर देखें, 90 डिग्री पे कौन कौन से मोमेंटम है, ये है दीवार के साथ, वॉल के साथ 90 डिग्री पे ये मोमेंटम है। इनमें से ये मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, और ये क्या है, फाइनल मोमेंटम। और मैंने क्या सिखाया कि फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू व्हाट, ई टाइम्स इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम बोलो कितना है, एम वी टू साइन थीटा टू इज ई टाइम्स एम वी वन
साइन थीटा वन, इक्वेशन नंबर वन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी या मोमेंटम के, उसके ऊपर ई का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लियर है? इन पे नहीं लगेगा, जो वॉल के साथ है, जो ग्राउंड के साथ है। तो इन पे क्या लगेगा? इन पे लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन, जो पुराना लगता है। कोलिजन तो मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करेगी, तो यानी कि इनिशियल मोमेंटम एम वी वन कॉस थीटा वन इज एम वी टू कॉस ऑफ थीटा टू। ये लो, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। आपको सॉल्व करने के लिए दो ही इक्वेशन चाहिए होती हैं, एंगल्स गिवन होते हैं टाइप के क्वेश्चन में, वी वन वी टू निकालने के लिए दो इक्वेशन सफिशिएंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है उसमें रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, और जो अलोंग जा रहे हैं कॉम्पोनेंट्स उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आपके असाइनमेंट के अंदर इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D में सब मैंने बता दिया, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फाइनल मोमेंटम ई टाइम इनिशियल मोमेंटम। तो ये पहली इक्वेशन ये आई, सेकंड ये आई, मास से मास कैंसल है। अब इम्पॉर्टेंट ये है, आप इसे स्क्वेयरिंग एडिंग कर दो। स्क्वेयरिंग एडिंग करने से वी टू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर वन हो जाएगा, इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर। तो ये वी टू स्क्वेयर आ गया, और वी टू की वैल्यू का मतलब, वी टू का मतलब फाइनल वेलोसिटी बॉल की क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है। जब आप ऑब्जेक्टिव शीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव शीट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी का ये ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी में मैंने आता देखा नहीं है इनइलास्टिक कोलिजन इन 2D, पर कंपटीशन के अंदर आप ऑब्जेक्टिव में देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं दिखेगा, एक आध दिखेगा, पर जिसमें भी दिखेगा आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया कैसे लगेगा। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारी कोलिजन्स खत्म है।